अंश गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े, कव्वे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मासा हाड़े। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल बाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस जो होते हैं संत मते में, हंस किसे कहते हैं? हंस वो भक्त है जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी सत असत का जिसने निर्णय कर लिया। बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी बकवादों से परहेज कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, आपने बुगला बहुत देखे होंगे, बुगले जो तालाबों के आसपास रहते हैं और वहाँ मछलियाँ खाते हैं, मछली उनने कुछ भी पा जाए, गुग्गे पा जाए, वो कीड़े मकोड़े वारन जैसे शंख जैसे उसके अंदर मांस सा होता जीव, उसको खा जा। कौवे भी ऐसे खाते हैं, कौवे भी मांस खाते हैं, को मछली ठहगी उसने छोड़ा नहीं, ऐसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो हंस होता है, हंस पक्षी, वो उस मानसरोवर को जहाँ पर मोती होती हैं वो मोती खाता है, और बुगले जैसा होता है, अन्य पक्षियों जैसा ही प्राणी है, लेकिन वो मच्छी नहीं खाता, घोगे नहीं खाता, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, वह केवल मोती खाता है। और एक गुण है उस हंस पक्षी के अंदर, वो अगर आप उसने एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दो और वो दूध दूध पी लेगा, पानी उसी पात्र में शेष छोड़ देता है। मालिक ने ऐसी कृपा, ऐसी कोई उसके अंदर गुण दिया है कि दूध और पानी को अलग कर लेता है, जल को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है। तो पुण्यात्मा हंस उसी को कहा है जो कोई बुराई नहीं करते, चोरी ठगी नहीं करते, चोरी जारी नहीं करते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं कर प्रयोग करते हैं। और भाई जिन्होंने दूध और पानी छान लिया कि किस भगवान की भक्ति से कितना लाभ है, और यहाँ काल के लोक में हम कितने दुखी हैं, हम स्वर्ग महास्वर्ग में भी चले गए तो भी मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, तो उनको हंस कहते हैं। कहते हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कव्वे उड़ उड़ जाते हैं वो खावे मासा हाड़े। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हल बाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। जो हंस होते हैं, अच्छी आत्मा होती है, वो सत्संग छोड़कर नहीं जाते हैं। ये सत्संग तो समझो एक तालाब है, सरोवर है, और आप जी हंस हैं, साध सोए जो सीधा चले, सब बुराइयों को छोड़ दे, भगवान की भक्ति करे, परमात्मा में ध्यान रखे, वो साध होता है। परमात्मा बार बार कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, यानी हम तो साध दूसरे जा करते हुए डले ढोवें, कान पड़वा रहे, दाढ़ी बढ़वा रहे, जंगल में धक्के खावें, वो साध नहीं। साध तो वह जो सही भक्ति करे, सत भक्ति करे, बुराइयों तो बचकर है, वही मनुष्य साध है। तो क्या कहते हैं, हंस दशा तो साध है, आप जी तो हंस हैं, और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा के मोक्ष मार्ग रूपी मोती आप चुग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और चढ़े नवेला रंग। जितना ज्ञान सुनोगे उतनी आस्था मालिक में और उमंग बढ़ेगी, चाहे सारा संसार एक तरफ और भक्त एक तरफ,
आप फिर इस ज्ञान से दूर, इस सत्संग को छोड़कर, इस दास को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। और जो यहाँ से छोड़कर जाते हैं उनके बारे में कहा है, वो तो कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, जो खाते मांसा हार्ड, जिन पर बुराई नहीं छूटती, लालच लोभ नहीं छूटता, वो जाया करें, वो कव्वे हैं, वो हंस नहीं बने। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, हंस नहीं जाया करते मान सरोवर ने छोड़कर जहाँ ऐसी मोती मिलते हैं। ये कव्वे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसा हार्ड, हंस दशा तो संत साध है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। आगे क्या बताया वर्तवाणी में, दर्श परस नहीं अंतरा, दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच पारस लोहा एक डगिए, पलटे नहीं अबीच। अपने आत्माओं कितनी, देखो वेदों और गीता को समझना बहुत आसान है, ये परमेश्वर का जो सूक्ष्म वेद है, परमेश्वर कबीर जी की महिमा से की वाणी, गरीबदास साहेब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया, कबीर जी ने, गरीबदास जी भी कहते हैं कि मेरा ज्ञान योग दिया खोल, कबीर परमेश्वर जी ने मेरा ज्ञान रूपी योग खोल दिया, अर्थात मुझे वो अपना ज्ञान मेरे में फीड कर दिया। अब उस ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं गरीबदास साहेब जी ने, दर्श परस नहीं अंतरा, अरुमी वस्त्र बीच पारस लोहा एक कड़े के पलटे नहीं अभीच। अब हंस और कौवे क्यों बन गए, हंस तो ज्ञान को समझकर समर्पित हो गए, वो तो बन गए हंस, और जिन्होंने मन दिया नहीं, सत्संग में आते रहे, बड़े अच्छे श्रद्धालु दिखते रहे, लेकिन आस्था बनी नहीं परमात्मा से, गुरुदेव से उनका मेल नहीं बना। मेल का अर्थ ये नहीं होता कि आप आते हो, सेवा भी करते हो, साथ भी रहते हो, सत्संग भी सुनते हो, लेकिन अंदर से जगह, अंदर से कनेक्शन नहीं बना, अंदर से कसक नहीं बनी, तो कहते हैं उनमें परिवर्तन हो को ना। जैसे एक लोह, एक पारस नाम का पत्थर होता है, पारस एक पारस पत्थर है, पत्थर जैसा होता है सिंपल, और उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं, जैसे लाल को पहचानना। तो उस पारस का एक टुकड़ा पत्थर हो 1 किलो का, और उसको चाहे 100 टन लोहे का घिसा दे, एक स्थान पर टच कर दे उसको अच्छी तरह, उनका कति मेल हो जा, और फिर देखे, कहते उस पूरे के पूरे उस मांस को, मंडल को, उस एक सरिये के ला दिया सरिये को, गार्डर के ला दिया गार्डर को, पूरे गार्डर के गार्डर को, थाम के थाम को सोना बना देता है। लेकिन कहते हैं परमात्मा लिखे, पारस लोहा दर्श परस नहीं अंतरा, अरुमी वस्त्र बीच। अब लोहा और पारस कति साथ साथ रखे हैं, और उन दोनों के टच होने में एक बिल्कुल इतना भी स्थान रह गया ना, जैसे कहते हैं रोमी वस्त्र, जैसे बाल, ये बाल है रोम कूप का, यानी बाल जितनी भी आपस में दूरी रहेगी, या बिल्कुल पतली सी जो वायल होती हैं बहने उड़ती हैं, या पतली चादर मुलमुल का कपड़ा, कहते ये भी इतना भी बीच में कपड़ा आर पार हो जाए, इतना भी डिफरेंस आपस में रहा, मिलन नहीं हुआ, चाहे कितने दिन पास रखे रहो लोहा और पारस, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी जो व्यक्ति यहाँ भी रहते हैं, गुरुदेव के साथ रहते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और मिले नहीं मन से, वो हंस नहीं बन सकते, वो कौवे रहा करें, और ऐसे कव्वे फिर छोड़कर इसको स्थान को जा सकते हैं, वो जाएंगे कि उनकी आदत सुधरी नहीं।